पटना में बारात निकलने से पहले दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद दूल्हा और दुल्हन के घर में कोहराम मच गया है। दूल्हा बारात निकलने के पहले पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचा था, इसी बीच अपराधियों ने उसे गोलियों से भून डाला। यह घटना बख्तियारपुर थाना क्षेत्र का है। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। मृत दूल्हे की पहचान सलीमपुर निवासी निरंजन कुमार के रूप में हुई है। बारात नालंदा जाने वाली थी। वहीं आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार सलीमपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी निरंजन की शादी नालंदा में तय हुई थी। वसंत पंचमी के दिन शादी की तिथि निर्धारित थी। गुरुवार को बारात जाने की तैयारी घर वाले से लेकर मेहमान व मोहल्ले के लोग कर रहे थे। बारात देर शाम में नालंदा के लिए निकलने वाली थी। बताया जाता है कि बारात निकलने से पहले दूल्हा निरंजन अपने स्वजनों के संग गांव के ही देवी स्थान में पूजा करने पहुंचे थे। मंदिर से ही निकलने के क्रम में ही निरंजन को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.